धन्यवाद शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। राजनीतिक हलचल पिछले 12 घंटों में बहुत तेज हुई है प्रदेश की, और राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 MLA ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए, और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी मां महिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 MLA आज हरियाणा विधानसभा के, 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में, 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देते हैं कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहां कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहां मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया, आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर, और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। के भी विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते, जब तक विप की ताकत है।